चलो दोस्तों शुरू करते हैं नागराज की बहुत ही शानदार कॉमिक्स प्रलय कारिमणि। ध्यान से सुनना दोस्तों। वहेल नाम का वह विशाल यात्री जलयान तेजी से समुद्र का सीना चीर कर तैरता चला जा रहा था। जहाज के एक फर्स्ट क्लास केबिन में दो नामी चोर गोगा और टॉम। हाँ हाँ देखो टॉम, आखिर इस बेस कीमती मूर्ति को निकोदर कबीले से उड़ाई लाए, और अब जब हम इसे मुंबई ले जाकर जुर्म के बादशाह शंकर सहनशाह को बेचेंगे तो वह हमें सिर से पाँव तक दौलत से लाद देगा। धीरे बोल गधे के बच्चे, किसी ने सुन लिया तो दोनों ही जेल की चक्की पीसेंगे। ओ अचानक दोनों बुरी तरह से लटखड़ा गए। ओ यह क्या तूफान, ओ बहुत भयानक तूफान है, लगता है जहाज नहीं बचेगा कैप्टन। जहाज तूफानी थपोड़ों का सामना नहीं कर सका। आ बचाओ, जहाज डूब रहा है कैप्टन, लाइव बोट के साथ यात्रियों को समुद्र में उतारो, केक जल्दी करो। ओ भगवान रक्षा करो, हेल्प गार्ड, बोट को कसकर पकड़े रहो गोगा। हाँ हाँ जहाज को बचाया ना जा सका, और अगली सुबह आऊँ गोगा टॉम, कहीं हम सौपन तो नहीं देख रहे, भगवान का शुक्रिया अदा करो, हम इस भयानक तूफान में भी बच गए हैं। सितारे बुलिंदर पर टॉम, वह देखो टापू, हवा का वेग बोट को इधर ही ले जा रहा है। कुछ ही देर में लाइफ बोट किनारे पर आ लगी। हुर्रे, अभी दोनों पानी से बाहर भी न आ पाए थे कि अचानक चौंक पड़े, अरे इस द्वीप पर मनुष्य। उनके देखते देखते वे दोनों सांपों में परिवर्तित हो गए। आश्चर्यजनक चमत्कार पर, अरे यह बाज, लेकिन तभी एक बाज उन पर टूट पड़ा। क्वैक फू, उसने उनमें से एक सांप को अपने पंजों में फांसना चाहा। बाज पुन झपटा, लेकिन क्रोधित नाग ने पुन उसे डसना चाहा। क्वैक, और इस बार वह सांप को दबोचने में सफल हो गया। फू, बाज को समाप्त कर दो टॉम। क्वैक, धाएं, सांप हमारी ओर आ रहे हैं, कहीं हमने इन्हें बचाकर भूल तो नहीं की। दोनों सांप उनके निकट फन फैलाकर खड़े हो गए और देखते देखते पुन इंसानों में परिवर्तित हो गए। इच्छाधारी नाग और नागिन, तब तक टॉम रिवॉल्वर वापस जेब में रख चुका था। हैरत में डूबे टॉम के मुंह से निकला, यह जादू है या हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, आप कौन है महापुरुष? इच्छाधारी सांप, आपने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हम आप लोगों के ऋणी हो गए, यह तो हमारा फर्ज था। तभी कई सांप तेजी के साथ उनके ओर बढ़े। उफ इतने सांप, यह सभी सांप इस द्वीप के प्रहरी हैं, और किसी भी विदेशी को द्वीप पर देखते उसे जान से मार डालते हैं। यह सुनते टॉम ने पुन रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी मनसा समझ नागपुरुष बोला, नहीं ऐसा गजब मत करना, लेकिन वे बढ़े चले आ रहे हैं, घबराओ नहीं, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अचानक नागपुरुष और नागकन्या पुन सांपों में परिवर्तित हो गए और उछलकर टॉम में गोगा के गर्दनों में लटक गए। अरे, सभी सांप इनके इर्द गिर्द पूछ कर रुक गए। फिर नागपुर से वह नाग कन्या उन्हें लेकर अपने कबीले में पूछे, अरे विदेशी राजा मणिराज के पुत्र व पुत्री के संसर्ग में। और जब मणिराज के सम्मुख पूछ कर नागपुरुष विस्प्रिय ने अपनी भाषा में उन्हें कुछ बताया, हो नागमणि द्वीप पर तुम्हारा स्वागत है मित्रों, अगर आप लोग समय पर पहुंचकर मेरे बच्चों की प्राण रक्षा न करते तो यह तो हमारा फर्ज था। कुछ देर बाद गोगा ने कहा, हम तूफान में भटक कर यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन हम अभी तक इस द्वीप का रहस्य नहीं समझ पाए हैं। यह सुन मणिकराज मुस्कुरा कर बोला, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली और बहादुर जो इच्छाधारी सांपों के द्वीप पर आ पहुँचे हो। इच्छाधारी सांपों का द्वीप तो क्या, और यह सब? हाँ हम सब इच्छाधारी सांप हैं, यह देखो। मणिराज वापस अपने पूर्व रूप में आ गया और बोला, अब हम तुमसे एक प्रार्थना करेंगे बहादुर युग को, आप आज्ञा करें सरपराज, इस द्वीप से अपनी दुनिया में लौटने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि द्वीप का रहस्य जान लेने के बाद यह संभव नहीं होगा, अगर तुमने यह कोशिश की तो हमें तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस होगा। उस दिन से वे नागमणि कबीले के मेहमान हो गए। गोगा यार, यहाँ आकर तो हम फंस गए, लगता अब शेष जीवन यहीं बिताना होगा। हम एक दिन इस अजगर मुहि गुफा में इनके कुल देवी का मंदिर है, भीतर चलकर देखो। चलो लोग मंदिर के द्वार पर, लेकिन मंदिर के द्वार पर पूछते, ठहरो कौन तुम, इस मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा मणिराज और पुजारी बाबा का आदेश है। क्यों? उसके बात का उत्तर न देकर वह सख्त स्वर में बोला, अगर तुमने मणिराज के आदेश की अवहेलना की तो परिणाम गंभीर होंगे, लौट जाओ। दोनों चुपचाप लौट गए।
न जाने इस मंदिर में ऐसा क्या कि हमें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा, मगर मैं भी गुफा में जाकर रहूँगा आज ही। और गोगा के दिमाग में मंदिर देखने की जिज्ञासा जन्म लेने लगी। उसी शाम, चलो टॉम गुफा में देवी के दर्शन करेंगे। क्या पागल हो गए गोगा, जीवित रहना चाहते हो तो जीवित रहना चाहते हो कि नहीं? कुछ नहीं होगा, तुम चलो, इस समय यहाँ कोई नहीं है, यही बेहतर मौका है। कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं छाधारी पुजारी उससे निपट लेंगे। और भीतर घुसते दोनों की आंखें चुंधिया गई। उफ, इतनी तीव्र प्रकाश किरणें। फिर जब दोनों कुछ समझे संभले, यह किरणें नाग देवी की मूर्ति के मस्तक से निकल रही हैं, वह देखो। अचानक पुजारी बाबा चीख पड़ा, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चले जाओ मूर्खो, भाग जाओ। इच्छाधारी पुजारी सांप क्रोध से फुफकारते हुए उनकी तरफ लपके, यह देखते टॉम भय से चीख पड़ा, गोगा भागो, सांप में मार डालेंगे। वह मणि तभी एक देवी के मस्तिष्क से निकल रहे उस तिरुप प्रकाश में खोया। गोगा बुरी तरह चौंक कर टॉम के साथ मुख्य द्वार की ओर लपका, भागो टॉम और तेज। इससे पूर्व के द्वार तक पहुंच पाते कि बुरी तरह क्रोधित सांप दोनों पर टूट पड़े। आप फू फूस आई, बुरी तरह चीखते हुए दोनों ने अजगर मुही मंदिर से बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते दोनों बेहोश हो गए। या देखते पुजारी चिल्ला, जल्दी करो, इन्हें वैद्यराज के पास ले चलो। इस घटना के 6 घंटे पश्चात इन्हें हो सारा मणिराज, शेखर अब यह खतरे से बाहर हैं, शुक्र है अब यह खतरे से बाहर है। कुछ ही देर में दोनों ने आंखें खोल दी। अपने चारों ओर भीड़ देखते दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। मणिराज ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर तुम दोनों ने एक भयानक भूल कर ही दी। मेरे मना करने के बाद भी तुम पवित्र नाग मंदिर में चले गए और परिणाम भी देख लिया। अगर एक पल की भी और देरी तुम्हें वैद्यराज तक पहुंचाने में हो जाती तो तुम दोनों हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मणिराज। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, हमें क्षमा कर दे मणिराज। यह तुम्हारी प्रथम भूल है तो हम माफ़ करते हैं, लेकिन भविष्य में अगर ऐसी भूल हुई तो उसकी सजा मृत्यु ही होगी। 2 माह बाद टॉम, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्या नाग देवी के मस्तिष्क में जड़ी हुई मणि अगर हमारे हाथ लग जाए तो? यह सुनते ही टॉम उछल पड़ा, क्या पागल हो गए गोगा, मौत भरी उस रात को भूल गए क्या? अभी तक नहीं भूला, लेकिन मणि को भी नहीं भूला। उसी दिन से नागमणि गोगा की जागती आंखों का सपन बन गई। निकोदर कबीले से चुराए करोड़ों की वह मूर्ति हमारे हाथों से निकल गई, लेकिन इस मणि को मैं नहीं निकलने दूंगा। लेकिन यह मेरे अकेले के बस का रोग नहीं है, इस बेवकूफ टॉम को राजी करना होगा। इस काम में वह सफल हुआ। यह जंगल हमारी मंजिल नहीं है टॉम, शहर की रंगीनियाँ हमारा वहाँ इंतजार कर रही हैं। यह मणि हमारा सपना है, किसी भी तरह उसे हासिल करना होगा। लेकिन वह मंदिर बेहद खतरनाक सांपों से भरा पड़ा है, और फिर यहाँ से भागेंगे कैसे? हमारी बोट तो बेकार हो चुकी है, उसका इंतजाम भी सोचना। तभी दोनों चौंक पड़े, अरे वह नाव, मछुआरों की जान पड़ती है, मछुआरे नाव से उतर रहे हैं, शायद रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं। गोगा वह देखो प्रहरी सांप, ये उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। उफ, सांपों को देखकर मछुआरों में भगदड़ मच गई, भागो सांप। सांपों ने सभी मछुआरों को जान से मार डाला। गोगा और टॉम भागकर नाव के निकट पहुंचे। बदकिस्मत बेचारे, छोड़ो उन्हें यहाँ, नाव में ढेर सारी मछलियाँ हैं, सोचो जरा ये ढेर सारी विशाल मछलियाँ हमारे किस काम आएंगी खाने के। बेवकूफ, ये मछुआरे शायद इन मछलियों या नाव के बेट हमें देने यहाँ आए थे। इस घटना के 1 माह पश्चात, आखिर तुम इस मछलियों की खालों का करोगे क्या? वक्त आने पर सब बता दूंगा, फिलहाल वही करते रहो जो मैं कहूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अरे किधर ध्यान है तुम्हारा, क्वैक क्वैक। वह बाज जो सांप पर आक्रमण कर रहा है वही देख रहा हूँ, क्वैक। मैं बाज को गोली मारकर, टॉम ने रिवॉल्वर का रुख उधर किया कि गोगा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए टॉम, गोली नहीं चलाना। गोगा रिवॉल्वर झपट कर नाव की ओर भागा। मछुआरों का वह जाल यह रहा, क्वैक। बाज सांप पर झपटा लेकिन क्वैक। शीघ्र ही गोगा द्वारा फेंके गए उस जाल में फंस गया, क्वैक। तुमने इसे पकड़ा क्यों? सब समझा दूंगा, बस यह समझ लो कि अब हमें रोज इसी तरह बाज पकड़ने हैं। और फिर दोनों रोज एक बाज जाल में फंसा लेते, क्वैक गुड क्वैक। वो बच गया, हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पकड़कर क्या करोगे, मारकर समुद्र में फेंक देंगे।
वह संतुष्ट होकर चला गया। तब बाज की चोंच वह पंजे नाव में ले जाकर बांध दो, न जाने बाजों का क्या करेगा। तब एक दिन तुम मणि को भूले तो नहीं टाम? भूल चुका हूँ, क्योंकि हम उसे हासिल करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। मैं तुम्हें ख्वाब में नहीं हकीकत में मणि हासिल करके दिखाऊंगा, आज ही रात को। कैसे बताऊंगा, बस एक काम और निपटा ले। उसी रात वैद्य सर्पराज के कक्ष में किसी आठ से उनकी आंखें खुल गई। कौन? वैद्यराज, फिक्र मत करो टॉम, क्या हुआ इसे? अंधेरे में पाव पड़ गया और सांप ने काट लिया हो। मैं अभी विष काट दवा देता हूँ, इस दवा से जहर पानी बन जाता है, उसी की ज़रूरत है। सर्पराज कोई औषधि ले आया, यह खा लो। गोगा की मजबूत बाजू फुर्ती के साथ सर्पराज की गर्दन से लिपट गई। यह सभी दवा मुझे चाहिए सर्पराज। वैसी पन बन चुके गोगा ने गंडासे का भरपूर वार सर्पराज की छाती पर किया। आख, सर्पराज की लाश को दोनों ने पीछे झाड़ियों में डाल दिया। कुछ दवा दोनों ने तुरंत खा ली। अभी इसे खा लो। बची दवा को जेब के हवाले करके दोनों पेड़ की कोटर के पास पहुँचे। अब इस मछलियों की खाल से बनी पोशाक को पहन लो, यह आज के दिन के लिए थी। ओह, खाल पहनने के बाद क्यों, कैसे रही टॉम? अब केवल हमारा चेहरा खुला रह गया है। वाह, अब दौड़ो नाव की ओर, आज मणि हासिल करनी है हमें। तुम्हारी योजना मैं समझ गया हूँ गोगा, तुमने बाज ऐसे इकट्ठे नहीं किए। इन बाजों को अजगरी गुफा के पास ले जाना, कपड़े से ढककर, ठीक एक घंटे बाद। बाजों को गुफा में छोड़ना, इसी के साथ हमें भी तुरंत मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। क्वैक क्वैक क्वैक, बाज सांपों पर टूट पड़े। सैक क्वैक फू, उफ, मुझे तुरंत मणिराज को सूचना देनी होगी। उफ आ, जैसे वह द्वार से निकलने लगा, हम तुम्हारी देवी की मणि लेने आए हैं। नहीं, अब तुम्हारी कब्र इसी मंदिर में बनाएंगे। टॉम ने पुजारी की गर्दन पर वार किया। ठीक उसी पल, अरे साए, वह सांप बनकर निकल गया गोगा। उसके पीछे जाकर हम समय व्यर्थ नहीं गवा सकते, हमें मणि हासिल करनी है जल्दी से जल्दी। क्वैंक बाजो, वह सांपों का भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। तभी दोनों पर सांपों ने हमला कर दिया। गोगा चिल्लाया, मार डालो इन्हें, टुकड़े कर दो। गोगा मारकाट मचाता हुआ नागदेवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। चेहरे को सांपों से बचाना टॉम। टॉम वही खड़ा चिल्लाया, मेरी चिंता छोड़ो, तुम जल्दी करो गोगा, पुजारी इच्छाधारी सांपों के साथ आता ही होगा। क्वैक, यह सुनते गोगा बिजली किसी तेजी के साथ देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। तभी ओ नो, कई सांप गोगा के पाँव में बेड़िया बनकर लिपट गए थे। उफ, पागल सावा गोगा गंडासे से सांपों पर वार करता चला गया। सांपों से छुटकारा पाकर वह देवी की मूर्ति की ओर लपका। बहुत देर हो चुकी अब और नहीं। बंदर के समान उछलकर वह मूर्ति पर चढ़ गया और ठाक तेजी के साथ वह मणि को नागदेवी के मस्तक से उखाड़ने में लग गया। अचानक एक सांप ने उसके चेहरे पर डस लिया। हिस, लेकिन सर्पराज की चमत्कारी औषधि के कारण विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह और तेजी से मणि उखाड़ने लगा। तभी टॉम चिल्लाया, गोगा जल्दी क्वैक, और इस बार के वार से मणि मस्तक से अलग हो गई। ठाक, गोगा ने कमर पर लिपटे सांप को एक झटके से दूर फेंका, झपट कर मणि उठाई और टॉम भागो टॉम, काम हो गया। गुफा से निकलकर उस नाव की ओर भागे। भागो, हरी अप, अब मुझे रिवॉल्वर निकाल ही लेना चाहिए, बाहर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बाहर निकलते जैसे उन पर बिजली से गिर पड़ी। ओ माय गॉड, पुजारी ने मुसीबत खड़ी कर दी। उफ, अब क्या होगा, ये हमें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबराओ नहीं टॉम, हमारे पास रिवॉल्वर है। वे रहे वे शैतान, पकड़कर जान से मार डालो इन एहसान फरामोशों को। इच्छाधारी सांपों की भीड़ क्रोध से शोर मचाती गोगा व टॉम की ओर बढ़ी। मार डालो, लोग भय से चीख, गोगा भय से चीख उठा, फायर टॉम, गोली चलाओ। टॉम ने तुरंत फायर कर दिया, मगर भीड़ रुकी नहीं। टॉम ने फुन फायर कर दिया, धाएं। ठीक उसी पल भयानक शोर मचाते हुए बाज गुफा से बाहर निकलकर इच्छाधारी सांपों पर टूट पड़े। क्वैक क्वैक, सितथी अपने अनुकूल बनते देख गोगा चिल्लाया, भागो टॉम, जितने तेज भाग सकते हो भागो। दोनों अभी कुछ
कुछ ही दूर पहुँचे होंगे कि तुम मणिराज, मेरे बच्चों के प्राण बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पर किया था उसके बदले हमने तुम्हें जीवन दान दिया, लेकिन आज जो कुछ तुमने किया है उसकी सज़ा केवल मृत्यु है। मृत्यु हमें नहीं तुम्हें मिलेगी मणिराज। यह लो, यह देख, टॉम ने सांप पर गोली चला दी। धाएं आ, मणिराज तुरंत सांप में परिवर्तित हो गया। टॉम ने हाथ में पकड़ा गंडासा ही सांप पर खींच मारा। खच, बुरी तरह घायल मणिराज पूर्ण इंसानी रूप में परिवर्तित हो गया। आ आ देवी, तुम्हें कभी समा नहीं मरना है क्या? मणिराज की मौत के बाद इच्छाधारी सांप पागलों के समान हमारे पीछे पड़ गए। रुकना नहीं गोगा, इससे पहले कि वे हम तक आ पहुँचे हमें उनकी निगाहों से दूर हो जाना। चप्पू चलाओ गोगा जल्दी। उफ, वे निकल गए, गजब हो गया, वापस चलो। अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर विषप्रिय और विषप्रिय आखिरी सांस भर रहे मणिराज के पास पहुँचे। उन्हें देखते ही मणिराज तड़प कर कह उठा, आप बहुत बड़ा अनर्थ हो गया पिताजी। यह क्या हो गया? मैं उन हरामजादों को कहीं से भी ढूंढ कर बड़ी भयानक मौत मारूंगा पिताजी। मत रो बेटी विषप्रिय, और तुम भी ध्यान से सुनो विषप्रिय, उस मणि का इस द्वीप पर लौटना बहुत आवश्यक है, अन्यथा तुम सबकी इच्छाधारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नागमणि द्वीप तहस नहस हो जाएगा विषप्रिय। मणि को वापस लाना और देवी के मस्तक पर प्रतिष्ठित आ, और तब एक दिन। कहने के साथ ही मणिराज की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। और तब एक दिन आप सब मेरा इंतजार करना, मैं शीघ्र ही उन पापियों को सजा देने के बाद मणि लेकर लौटूंगा, शीघ्र ही। नागराज द्वीप से सैकड़ों मील दूर बम्बई के एक शांत समुद्र किनारे पर स्थित स्वामी शंकर सहनसा का आश्रम। स्वामी शंकर सहनसा की जय। सभी भक्त आ चुके स्वामी जी और आपके दर्शन व प्रसाद पाना चाहते हैं, अवश्य जरूर। स्वामी शंकर सहनसा द्वारा आसन ग्रहण करते ही स्वामी शंकर सहनसा की जय। शांति शांति, जय जयकार मेरी नहीं भक्तों भोले शंकर बाबा के करो, और हमारा शांति का संदेश घर घर में जन जन के पास पहुंचाओ। शिक्षा इन्हें भोले बाबा की भक्ति का प्रसाद दो, जो आज्ञा स्वामी जी। बाप सभी भक्तों को एक एक डमरू बांटने लगा। यह लो डमरू, इसे बजाते हुए स्वामी जी का संदेश घर घर पहुंचाओ। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। सभी भक्तों के जाने के पश्चात क्या सारा प्रसाद समाप्त हो गया शिष्य बाब? प्रसाद तो समाप्त हो गया शंकर सहनसा, लेकिन मेरी समझ में आपके द्वारा आयोजित यह स्नैक शो का चक्कर नहीं आया। हाँ हाँ, जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा बाब। लेकिन सहनसा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो आप यह शो कभी नहीं करवा सकते, क्योंकि प्रसाद का अच्छा चक्कर चल रहा है। ठीक सोचा बाब, मुझे नागराज चाहिए। नागराज विषप्रिय कैसे सपेरे का नाम बाब है, जिसके बिन की तान सुनकर मिलो दूर से मस्त सांप उस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नागराज भी पहुँचे। इस पोस्टर को पढ़कर वह जरूर पहुँचेगा हर कीमत पर। नागराज की निगाह से वह पोस्टर बचा नहीं था। इच्छाधारी सांप विषप्रिय स्नेक शो में सैकड़ों नागों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते देखिए आयोजक स्वामी शंकर सहनसा। इच्छाधारी सांप या शंकर सहनसा, चक्कर क्या चल रहा है? समाप्त दोस्तों, अगले भाग में शंकर सहनसा पढ़ेंगे। इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों।